आज हम अपना थ्योरम नंबर 12.5 करेंगे और पहले तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत इजी थ्योरम आपका। एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, एक एंगल है उसके अंदर एक पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो पॉइंट जो है वो दोनों आर्म से सेम डिस्टेंस पर है, इज़ ऑन इट्स बाइसेक्टर। आपने प्रूव करना है कि वो जो पॉइंट है वो क्या है, वो एंगल के बाइसेक्टर पर आता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या था, एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल। पहले तो आपने एंगल ड्रा किया, किसी भी शेप में कर सकते हैं क्योंकि मेंशन नहीं है कि कौन सा एंगल है। ठीक है, आपने कोई भी एंगल ड्रा किया, उसके बाद उसके अंदर एक पॉइंट लिया, लेकिन पॉइंट ऐसा लेना है कि जिसका दोनों आर्म से डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, देखने में भी नज़र आए कि के का दोनों आर्म से डिस्टेंस सेम है, और आपको पता है कि हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, उसके अलावा अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये मेंशन करना है कि गिवन आपका क्या बन जाएगा, कि के इज़ एनी पॉइंट, क्योंकि हमने के लिया है तो यहाँ से ही देख लें, के इज़ एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, एंगल का नाम क्या था, एक्स वाई जी। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, मतलब कि आपने के एम परपेंडिकुलर ड्रा करना है वाई जेड पे और के एल परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, और ये क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है उसका डिस्टेंस इक्वल है, यानी के एम और के एल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक हो गया, अब आपने प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट आपने लिया है वो एंगल के बाइसेक्टर पर है। तो बाइसेक्टर तो अभी नहीं है हमारे पास, जस्ट हम यहाँ से नेम्स के साथ मेंशन कर देंगे कि एनी पॉइंट इज़ ऑन इट्स बाइसेक्टर, मतलब कि के इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जी। तो उसके बाद थोड़ी सी आपने कंस्ट्रक्शन कर देनी है, कंस्ट्रक्शन क्या आ जाएगी, ज्वाइन कर दें वाई को के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, कि जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी, और ट्राइंगल का हमने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में आपने फिर रिज़ल्ट लेना है। तो बाइसेक्टर का बेसिकली क्या मतलब होता है, कि ऐसी लाइन जो इक्वल पार्ट करे। तो यहाँ पे आपका एंगल है, तो अगर एंगल के दो पार्ट हम इक्वल प्रूव कर लेते हैं तो इट्स मीन कि वो जो लाइन वहाँ से पास हो रही है वो बाइसेक्टर की है। ठीक है,